आज सभी जो एमएलए थे वो आए थे, सबने सबसे पहले तो मनीष जी का स्वागत किया, सारे बहुत खुश थे और सभी ने ये विश्वास दिलाया कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि भाजपा को उसको ये समझ आ जाएगा कि इस तरीके की पार्टी तोड़ने के दुस्साहस और कुचक्र करने से कोई फायदा नहीं होगा, आम आदमी पार्टी पहले से भी ज्यादा ताकत से उभर कर सामने आएगी। आगामी दिनों में पदयात्रा का कार्यक्रम है जो बीते दिनों निर्णय हुआ था, कहां से शुरू करेंगी, कैसे पदयात्रा होगी, कैसे बातचीत करेंगे? 14 अगस्त से शुरू करेंगे, बाकी किस जगह से और कहां से शुरू करेंगे वो डिटेल आपसे शेयर कर देंगे। मोटा मोटी इस यात्रा का मकसद ये है कि जनता मनीष सिसोदिया जी से मिलना चाह रही है, जो भी उनसे मिल रहे हैं बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि वेलकम बैक सर, वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो अब मनीष जी जनता के पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अभी जैसे विधायकों की रिपोर्ट कार्ड की भी बात होती रही है, जैसे अभी पिछले दिनों परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे कि सभी विधायक अपने इलाकों में कितना एक्टिव है, क्या काम कर रहे हैं, उसे लेकर कोई रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है, क्या उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं, क्योंकि अब चुनाव में आप लोग जा रहे हैं? देखिए एमएलएज के काम के बारे में पार्टी में रेगुलर इंटरनल डिस्कशन चलता रहता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जितने काम किए मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कोई भी दूसरी पार्टी ने किए होंगे। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद सारे काम हुए हैं। अगर तो हम गिर जाते, अगर तो हम डाउन हो जाते तो पूरी दिल्ली का ये चौपट कर देते, लेकिन दिल्ली को चौपट होने नहीं दिया। आज भी पानी आ रहे हैं, बिजली आ रही है, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सारे चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेरा मानना आज ये है कि जनता के समक्ष प्रश्न ये है कि क्या ऐसी तानाशाही प्रवृत्तियों को जो गलत तरीके से दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं, क्या उनको वोट देना चाहेगी या ऐसे पार्टी को वोट देगी जो बड़े सीधे साधे भोले भाले पढ़े लिखे लोग हैं जो मेहनत करके सेवा करना चाहते हैं।